हाँ बच्चों तो देखो बेटा ये हो गया आंसर आ रहा है इसका। बोलो बच्चों आ गए क्या? आ गया ठीक है बच्चों, ये आ रहा है 1/3 10^7। सबके आ रहा है क्या? चलो आगे चलो बच्चों, ठीक है ये वाला क्वेश्चन करो। द रेशियो ऑफ VRMS ऑफ हाइड्रोजन एट 50 केल्विन एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन एट 800 केल्विन इज, ये बताना है। VRMS का फॉर्मूला क्या होता है? बताएगा बच्चों VRMS का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पता है क्या? देखो बेटा VRMS पढ़ा था हम लोगों ने। क्या पढ़ा था? देखो VRMS का ये फॉर्मूला है PRT/m है बच्चों। अब देखिए हमें किसका निकालना है, VRMS ऑफ ऑक्सीजन निकालना है ठीक है, और हाइड्रोजन का दे रखा है। तो देखो बेटा सुनो क्या हो जाएगा, PR T कितना है 800 केल्विन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 32 है ना बच्चों, और इसका क्या आ जाएगा देखो PR है ना, और इसका टी कितना दे रखा है 50/2। बोलो बच्चों ये दे रखा है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, कर सकते हैं बच्चों। बोलो तो सोल्व करोगे तो देखो बेटा ये हमारे पास 800/32 और ये हो गया 25 है ना बच्चों। इसको सोल्व करो, देखो ये चला गया आपका 4 टाइम और ये चला गया आपका बोलो 100 टाइम, यानी ये भी 25 हो गया। सोल्व करने पर 1 आ जाएगा बच्चों। बोलो ठीक है क्या, सबको समझ में आया? बोलो ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो बच्चों, बताओ अगला क्वेश्चन कीजिए। VRMS ऑफ हाइड्रोजन ठीक है बच्चों क्या है, √5 टाइम ऑफ VRMS ऑफ नाइट्रोजन, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है बच्चों ठीक है। तो कैसे, देखो बेटा सुनो VRMS ऑफ हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे, देखो बेटा PRT हाइड्रोजन कर दी इधर, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट ये हो गया, फिर देखो बच्चों √5 टाइम ऑफ PRT ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या कर दिया मैंने, रूट क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इसका 28 आ जाएगा। अब देखो बेटा सुनो क्या हो जाएगा, ये 3R से 3R कैंसिल हो गया, तो बचा क्या देखो हमारे पास T of H2, ये हो गया √5 टाइम T of N2/28, ये हो गया बच्चों। सोल्व करने पर ये क्या आ जाएगा, देखो ये सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा TN2, देखो बच्चों 14/√5 है ना TH2 आएगा बच्चों। तो मुझे बताओ की वैल्यू ज्यादा आएगी क्या TH2 से, तो आंसर क्या जाएगा सी जाएगा, जाएगा बच्चों। क्लियर है क्या? एक मिनट, क्या बोला आपने? अच्छा एक मिनट,
हाँ ठीक है बेटा, ये रूट फाइव था ना, दोनों तरफ स्क्वायर किया हमने, एक मिनट, ये हो गया फाइव, ये हो गया फाइव, ठीक है ना, हो गया बच्चों, बोलो। क्लियर है सबको ये बच्चों, पता लग गया है ना स्क्वायर रूट, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, उनका स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना, ठीक है। चलो बच्चों ये बताओ, मोस्ट प्रोबेबल वीएमपी ऑफ 8 हाइड्रोजन इज 200 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सैंपल, बताओ बच्चों कैसे करोगे। देखो बच्चों सुनो, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये होती है क्या, टू आर टी अपॉन एम, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों, टू होता है ना, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट टू होता है बच्चों, बोलो। अब देखो ये टू से टू तो कैंसिल हो गया, तो बताओ बच्चों आर टी क्या आ गया हमारे पास, 200 का स्क्वायर आ गया, आ गया क्या, बोलो बच्चों आ गया। अब देखो अब क्या करेंगे, अब अपने को बेटा इसकी क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 3/2 RT, ये किसके लिए है, 1 मोल के लिए, है ना, और हमें मान लो अगर एन मोल के लिए निकालनी है तो क्या होगा, 3/2 NRT, बोलो बच्चों एन मोल के लिए हो जाएगी। अब देखो 3/2 है ना, एन की वैल्यू बोलो बच्चों क्या करोगे, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 ग्राम है ना, 8/2, और आरटी की वैल्यू आपके पास ही आई हुई है, आई हुई क्या बच्चों, बोलो। अरे समझ में आया, इसको सोल्व करने पर क्या आ रहा है बच्चों बताओ, इसको सोल्व करने पर क्या आ रहा है, अच्छा मुझे लगता है ये फिर किलो जूल होगा, है ना, जूल के बजाय ये किलो जूल होगी ऑप्शन में, है ना। सोल्व करने पे बच्चों देखो क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए 240 किलो जूल आ रहा है ना, है ना, ये 1 मिनट इसको किलो जूल कर लीजिए आप, ऑप्शन में किलो जूल कर लो आप, ठीक है बच्चों, तो आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा, आ गया क्या समझ में, बोलो बच्चों समझ में आ गया, ठीक है। ध्यान रखना मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसमें मत लगा देना कि 8 ग्राम हाइड्रोजन है तो 4 मोल लगा देंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या कोई भी वेलोसिटी है वो सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो बच्चों, क्या कह रहा है बेटा, देखो वीआरएमएस ऑफ ए गैस इज 30 R^2 m/s इनवर्स एट 27 डिग्री सेल्सियस, देन मोलर मास ऑफ द गैस इज, अब देखो बेटा सुनो, वीआर क्या फॉर्मूला होता है, देखो बच्चों वीआरएमएस की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री
दे रखा है बेटा, ठीक है। ये क्या हो गया, थ्री आर टी अपॉन एम, ये निकालना है। अब देखो बेटा सुनो, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 30 ये दे रखा है, ये स्क्वायर रूट को इधर शिफ्ट किया, ये आ गया बच्चों। अब देखो सुनो, हम क्या करेंगे, 3 आर टेम्परेचर 300 केल्विन, क्या बच्चों, और हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो देखो बच्चों क्या हो गया, 30 × 30, ठीक है, और ये R हो गया, 3 × R, ये आ गया बच्चों, ये हमें निकालना है। तो बोलो बेटा, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया बच्चों, तो M की वैल्यू क्या आ गई, 1 kg आ गई ना, 1 kg आ गई, बोलो क्यों, 1 kg क्यों लिया बेटा हमने, हमने सारा कुछ किस सिस्टम के अकॉर्डिंग चले, MKS के अकॉर्डिंग चले, ठीक है ना, कई वाकई में बहुत खतरनाक है, इसको भी उन्होंने ग्राम में बदल दिया है ना, भाई बच्चे वाकई में बहुत खतरनाक है आप में से, उनकी पता नहीं सोच क्या है, अरे जब MKS में चल रहे हैं तो मास किलोग्राम में आएगा ना, अरे बच्चों समझ में आया, चलो अगला बताओ बच्चों, ये बताओ, देखो दो कंटेनर है, 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम मीथेन, दोनों का टेम्परेचर T केल्विन है, दोनों का वॉल्यूम 1 लीटर 1 लीटर है, ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, VRMS वैल्यू विल बी सिमिलर इन बोथ कंटेनर, काइनेटिक एनर्जी पर मोल विल बी सेम, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम, प्रेशर विल बी सेम। देखो बेटा VRMS जो होता है वो इससे से डिपेंड करेगा बच्चों, TRT अपॉन ये क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट है ना, तो हाइड्रोजन और मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है ना, तो देखो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे बच्चों डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, डिफरेंट VRMS, यानी पहला तो नहीं हो सकता। फिर देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी हो गया 3/2 RT, हो गया बच्चों, ये पर मोल कह रहा है, तो पर मोल मतलब N की वैल्यू 1 होगी। अब देखो बेटा टेम्परेचर सिमिलर है तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल अपना भी क्या आ जाएगी, सिमिलर आ जाएगी बच्चों, आ जाएगी। फिर कहता है टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी तो सिमिलर नहीं हो सकती ना, क्योंकि मोल्स अलग अलग है ना, 1 ग्राम हाइड्रोजन के मोल अलग होंगे और 1 ग्राम मीथेन के मोल अलग होंगे बच्चों, बी और सी ऑप्शन किसी को एक जैसा तो नहीं लग रहा विश्वजीत, बी और सी एक जैसे तो नहीं लग रहे तेरे को विश्वजीत, हाँ भैया। अब देखो बेटा सुनो, हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, देखो बेटा ये टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तेरे को, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा NRT, N क्या होगा मोल निकालना है, तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम और मीथेन का 1 ग्राम मोल अलग अलग नहीं आएंगे क्या, हाँ भैया, प्रेशर सिमिलर हो सकता है क्या, प्रेशर सिमिलर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मोल क्या होंगे बच्चों अलग अलग होंगे है ना, एन क्या आएंगे डिफरेंट आएंगे। बी ऑप्शन में जिसने सीधा बोल दिया कि वो पर मोल है यानी 1 मोल है तब तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन 1 ग्राम हाइड्रोजन और 1 ग्राम मीथेन के मोल अलग अलग होंगे बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों ये बताओ, 4 पार्टिकल्स हैव स्पीड 2, 3, 4, 5 meter per second respectively, their RMS speed is, बताओ बच्चों
निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो बेटा क्या करना है, ध्यान दीजिए। देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पार्टिकल है, हैं बच्चों? ये करेंगे। देखो बेटा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 डिवाइडेड बाय 4। अब बताओ, है ना, इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो बच्चों ये आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों? ठीक है चलो ये क्वेश्चन बताओ, वेरी गुड दीपेश अग्रवाल, बहुत बढ़िया बेटा। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है ना? कैसे? देखो सुनो, आपको कहता है T1, T2, T3 टेम्परेचर है जिसपे VRMS, V एवरेज, VMP ऑफ ऑक्सीजन गैस आर इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकेंड, देन करेक्ट वन। देखो बेटा जैसे अगर आप इसको सोल्व करो तो भी समझ में आ जाएगा, ये क्या है बच्चों? TRT/M, तो यहां से इसको T1 बोल दिया तो बोलो बच्चों ये आ जाएगा, है ना, M/3×R, ये आया टेम्परेचर T1। फिर भी एवरेज निकालना है तो एवरेज वाले का जो टेम्परेचर आएगा वो ये आएगा क्या बच्चों? बोलो πm/8R, ठीक है। फिर देखो फिर क्या आएगा बच्चों आपका, ये into m/2R, ये आ गया बच्चों। अब देखो इनको तो भूल जाओ, ये तो सब में कॉन्स्टेंट है। अब एक बात बताओ बच्चों, सबसे कम आप डिवाइड कहां कर रहे हो बताओ? आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, देखो बेटा ऐसे कर देता हूं मैं, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे कम डिवाइड कहां से कर रहे हो आप? यहां 2 से डिवाइड कर रहे हो, यहां आप 8/π से कर रहे हो ना, पाई की वैल्यू 3 मान लेते हैं एक बार, तो 8/3, 2 से तो कुछ ज्यादा ही आएगा और यहां और ज्यादा आ जाएगी, तो जहां ज्यादा से डिवाइड होगा वहां वैल्यू कम हो जाएगी ना, और जहां कम से डिवाइड होगा वहां वैल्यू ज्यादा होगी, तो ऑप्शन बी आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा। बोलो बच्चों, अब वैसे भी सोचो, देखो कि हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे छोटी होती है वैसे ऑर्डर में। अब मुझे बताओ जब सबको इक्वल वैल्यू पे लाना है तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। अब समझना बेटा, देखो जैसे मैं कहता हूं मैंने लिखा 10×2, फिर लिखा 5×4, ऐसा लिख रहा हूं मैं, समझ में आ रही है बात आपको, और 20×1। तो देखो जो वैल्यू छोटी है ना उसको आपको बड़े फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो बेटा ये जो, ध्यान दीजिए इसके अकॉर्डिंग, समझ रहे हो, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है ना? कौन सी होती है बच्चों? राम में कौन सी छोटी वैल्यू थी? मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, और नहीं तो कैलकुलेट करके पता कर ही लो। चलो बच्चों
अगला बताओ, द आरएमएस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन ए गैस इज यू इफ द टेम्परेचर इज डबल्ड एंड द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू नाइट्रोजन एटम्स देन आरएमएस स्पीड बिकम्स. वेरी गुड अलीसा बिश्नोई, बहुत बढ़िया. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्या करोगे. देखिए बेटा, पहले आपको वी आरएमएस ऑफ एन का फाइंड आउट करना है और वी आरएमएस एन टू का दे रखा है. ठीक है बेटा, देखो क्या वी आर टेम्परेचर आपने क्या किया, डबल किया तो 2T और नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 हो गया. फिर देखो बेटा 3R2T ये. अब बेटा इसको सोल्व कर लो, बहुत ही सिंपल सी बात है ना. सोल्व करोगे, कर लोगे क्या, बोलो बच्चों. ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, बोलो बच्चों. तो आंसर क्या जाएगा, 2U, क्योंकि वी आर एम एस ये कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है बच्चों, U दे रखी है ना. क्लियर है क्या? ये बताओ बच्चों, द क्वांटिटी पीवी अपॉन केबी इनटू टी रिप्रेजेंट्स. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. केबी क्या है, बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट है बच्चों, बताओ ये किसको इंडिकेट करती है. वेरी गुड भास्कर, बहुत बढ़िया बच्ची. देखो बेटा सुनो, ध्यान देना. सबसे पहले बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट को थोड़ा समझो आप. देखो बच्चों, ये जो है ना बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट, ये क्या होता है, अगर अपन गैस कॉन्स्टेंट को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो ये बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट बन जाता है बच्चों. ठीक है ना. तो देखो हमारे पास क्वेश्चन ये बच्चों, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी. मैंने इसको इधर भी एनए से डिवाइड कर दिया, इधर भी एनए से डिवाइड कर दिया. अब देखो बेटा, ये जो आर अपॉन एनए बना बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, इसको के बोलेंगे, कॉन्स्टेंट के बी हो गया बच्चों. अब देखो हमें क्या बताना है, पीवी और इधर क्या आ जाएगा, के बी इंटू टी और ये हो गया एन इंटू एन ए. आप बताओ ये क्या है, ये मोल है और मोल को जब आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है बच्चों, बताओ. मोल को जब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैं कहता हूं हाइड्रोजन के दो मोल है तो इसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे, बोलो बच्चों. हाइड्रोजन के दो मोल हैं तो इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 2 into Na ना होंगे बच्चों मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल एक तरह का पार्टिकल ही है ना, मॉलिक्यूल एक तरह के पार्टिकल ही था ना, बोलो बच्चों. तो आंसर क्या जाएगा, आंसर क्या जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जाएगा बच्चों. समझ में आया क्या? अरे बच्चों देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या किया था, मोल इनटू क्या, एवोगैड्रो नंबर, बोलो बच्चों. समझ में आया ये बच्चों. देखो मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, ठीक है ना. ये अपने क्वेश्चंस हो गए बच्चों. चलिए अब अपन नया टॉपिक लेते हैं, है ना बेटा. अपन लेते हैं बेटा लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ठीक है.
तो अपन हेडिंग डालते हैं बच्चों, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, इसको समझते हैं बच्चों, ढंग से सुनना। ठीक है, ये लिक्विफिकेशन क्या है इसको समझाता हूं बेटा मैं आपको, ढंग से सुनो। कैसे, सबसे पहले बताओ, अगर अपन बोले देखो बच्चों ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल हैं, ध्यान देना क्या बच्चों, ये गैस के मॉलिक्यूल थे। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इनका टेम्परेचर कम करेंगे। तो मुझे बताओ बच्चों, जब टेम्परेचर कम करोगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी ना, होगी बच्चों, होगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आएंगे बच्चों, आएंगे ना, पार्टिकल पास पास आएंगे तो उनके बीच में क्या डेवलप होने लग जाएगा बोलो बच्चों, उनके बीच में क्या डेवलप होगा, अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन का फायदा उठा सकते हैं अपन, उसके ऊपर एक डेफिनेट प्रेशर लगा दें, तो डेफिनेट प्रेशर लगाते ही उसका लिक्विफिकेशन हो सकता है बच्चों, बोलो बच्चों, समझ में आया। तो देखो क्या करेंगे अपन, ऐसा किया फिर बाय यूजिंग प्रेशर या अप्लाइंग प्रेशर, ये मॉलिक्यूल इस तरह से आपके पास पास आ गए और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए। समझ आई बात बच्चों, किस स्टेट में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड स्टेट में। तो देखो क्या बोलेंगे, फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस टेम्परेचर शुड बी डिक्रीज्ड सो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मीन्स इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड अमंग गैस मॉलिक्यूल्स एंड नाउ बाई अप्लाइंग डेफिनेट प्रेशर अगेंस्ट कैन बी लिक्विफाइड। बोलो बच्चों, हम उसको लिक्विफाइड कर सकते हैं। पहले इतना समझ में आया, सिंपल सी बात। अब देखो बेटा सुनो, एक साइंटिस्ट था एंड्रयूज, है ना, तो एंड्रयूज का एक एक्सपेरिमेंट है, उसको हमें डिस्कस करना है बच्चों। देखो सुनो, तो हम हेडिंग डालते हैं एंड्रयूज आइसोथर्मल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, या एंड्रयूज आइसोथर्म बोल दो। एक बात हो बच्चों, देखो आइसोथर्मल का मतलब आप समझ रहे होंगे, है ना बेटा, क्या कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, आप मुझे बताओ बेटा, जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो फिर अपन किस किस के बीच में ग्राफ बनाएंगे बोलो बच्चों, टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट है तो ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, पी और वी के बीच में। तो देखो हमें बच्चों P वर्सेस V का एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, P और V के बीच में। ये किस रूल के अकॉर्डिंग बनेगा,
बोलो बच्चों बनेगा बॉयज लोग। अब देखो बेटा सुनो, अब हमें क्या करना है, हमें इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। देखो एक बात बताओ बच्चों, जब इसने जो ग्राफ बनाया ना, वो ग्राफ उसको कैसा दिखा वो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। उसको ग्राफ कुछ ऐसा दिखा, देखो ऐसे, फिर ये इस तरह से, एंड देन ये इस तरह से। ये ग्राफ ऐसा कैसा आ गया ये हमें समझाना है बच्चों, ठीक है ना। ये ग्राफ ऐसे कैसे आया वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है बेटा। तो कैसे समझाएंगे सुनिए, सबसे पहले नॉर्मल ग्राफ ऐसा आता था क्या, बॉयज लॉ का? बताओ बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन से हमने ऐसा ग्राफ बनाया था। अब देखो बेटा एक बार बताओ, जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आप बताओ बच्चों प्रेशर बढ़ा रहे हो। देखो जो प्रेशर आपका यहां था और जो प्रेशर यहां है अलग अलग है ना बच्चों, बोलो। अरे प्रेशर अलग अलग है। एक बात बताओ, जब प्रेशर बढ़ाओगे तो बोलो बच्चों लिक्विफिकेशन होने के चांसेस बढ़ेंगे, बोलो बच्चों बढ़ेंगे। अब एक बात बताना मेरी ढंग से, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होता है? तो देखो बेटा पहले वॉल्यूम ये था, अब वॉल्यूम ये हो गया। पहले ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों ए से बी वाला पार्ट सबको समझ में आ गया क्या? ए से बी वाले पार्ट में किसी को डाउट है क्या? ए से बी वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो बच्चों नहीं है। अब देखो बेटा सुनो, अब क्या हुआ, अब ध्यान दीजिए, ये जो बी वाला पार्ट है ना बेटा, ये बी वाला पार्ट, इस पार्ट पर क्या हुआ, यहां से लिक्विफिकेशन स्टार्ट होता है ना, लिक्विफिकेशन स्टार्ट। सुनिए, यहां से लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ वापस। अब देखो कैसे स्टार्ट हुआ, मुझे बताओ बच्चों, जब लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ तो बच्चों बताओ गैस के मोल, बोलो बच्चों क्यों कम हुए, क्योंकि कुछ गैस के मोल किसमें कन्वर्ट हो गए? बोलो बच्चों गैस के कुछ मोल लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, हो गए बच्चों। तो बेटा एक बात बताओ, मोल्स कम हुए गैस के? अब मुझे बताओ, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम ही कम होता है, बोलो बच्चों। अरे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम ही कम होता है, तो जितने मोल कम हो रहे हैं उतना वॉल्यूम ही कम हो रहा है, हो रहा है क्या? अरे बच्चों ये बात समझ में आई? ऐसे सोचो, देखो पहले हमारे पास 100 गैस के मॉलिक्यूल थे, ठीक है बच्चों, एक डेफिनेट प्रेशर पे हमने ये देखा कि देखो 80 गैस के मॉलिक्यूल हैं और 20 लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं। तो बच्चों पहले 100 थे, अब कितने रह गए? 80 रह गए ना, बोलो बच्चों। तो गैस के मोल कम हुए कि नहीं हुए? पहले इतना समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम भी कम होता है ना? अरे वॉल्यूम भी कम होता है, होता है। अब मुझे बताओ, दोनों चीजें कम हुई तो रेशियो क्या रहेगा? दोनों चीजें तो रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। देखो ऐसे सोचो, देखो बेटा जैसे मैं कहता हूं कि ये है बच्चों 100/2 है बच्चों, 50 आ रहा है। अच्छा मान लो, जैसे पहले मैं ये कहता, ये मान लो ये था,
दोनों चीजें एक ही है क्या? बोलो बच्चों, एक ही है ना। पहले 200/4 था, अब 100/2 है, तो दोनों चीजें कम हुई है ना, तो ओवरऑल इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। बोलो बच्चों, विश्वजीत तेरे को समझ में आ गया ना, नहीं तो तू बीच में करेगा फिर। विश्वजीत ठीक है, अब मुझे बताओ जब इसका मतलब प्रेशर क्या रहा बच्चों? कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट रहा क्या बच्चों? कांस्टेंट रहा ठीक है। तो आपको दिख रहा है बच्चों बी से सी की लाइन एकदम सीधी सीधी क्यों चल रही है? बोलो बच्चों, बी से सी की लाइन एकदम सीधी क्यों चल रही है? कुछ समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चों, बी से सी की लाइन सीधी क्यों रह रही है? क्योंकि प्रेशर लगातार कांस्टेंट रह रहा है। अब देखो ये पॉइंट सी वो है जहां पे क्या हो गया, लिक्विफिकेशन कंप्लीट, लिक्विफिकेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है ना। तो अब देखो बेटा, यहां सिर्फ गैसेस फेज थी, यहां गैस और लिक्विड दोनों थे, और इधर अब क्या होगा, लिक्विड होगा। अब बच्चों बताओ, क्या लिक्विड को आप कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम कम कर सकते हो क्या? बताओ बच्चों, नहीं कर सकते ना, लिक्विड को अपन कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बच्चों ये वर्टिकल रहता है, कोई बहुत थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो बच्चों समझ में आया कि ये जो आपका पॉइंट है सी से डी, इसमें लाइन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वर्टिकल रहती है। ये लाइन है ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वर्टिकल रहती है, ज्यादा चेंज नहीं आता, थोड़ा सा ऐसे दिखा दो आप। बोलो बच्चों, क्या ये ग्राफ समझ में आया? वापिस सुनो, देखो हमने हेडिंग डाली थी एंड्रयूज आइसोथर्मल एक्सपेरिमेंट। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, देखो बेटा हमारे पास इक्वेशन ये है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट होता ही है, आर कांस्टेंट, तो पी और वी के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो देखो बच्चों, आइडियल गैस के लिए तो ऐसा ग्राफ बनाया था। जब एंड्रयूज ने उसको रियल गैस के लिए बनाया था ना, तो देखो बेटा सुनो क्या दिख रहा है, कि जो पार्ट ए बी है ना वो क्या है, वो पार्ट ए बी क्या है, एट वेरी लो प्रेशर। तो बच्चों कह सकते हैं कि रियल गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस। बोलो बच्चों, पार्ट ए बी में रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी क्या? क्या ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, जैसे ही हम क्या बोलेंगे, एट पॉइंट बी है ना, लिक्विफिकेशन स्टार्ट्स फर्स्ट टाइम है ना, लिक्विफिकेशन पहली बार स्टार्ट हुआ। अब मुझे बताओ है ना, अपन क्या बोलेंगे, विद लिक्विफिकेशन मोल ऑफ गैस डिक्रीजेस एंड वॉल्यूम ऑफ गैस ऑल्सो डिक्रीजेस। बोलो बच्चों सही है, एंड दैट्स व्हाई वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। बोलो बच्चों समझ में आया, वॉल्यूम क्या रहा, कॉन्स्टेंट रहा, सॉरी वॉल्यूम क्या, प्रेशर आपका कॉन्स्टेंट रहा। बच्चों बोलो ये बात सबको समझ में आई क्या? यहां तक कोई डाउट है? बोलो बच्चों, प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट,
क्लियर। अब देखो बेटा, अपन क्या बोलेंगे, अपन एक्स बोलेंगे एट पॉइंट सी लिक्विफेक्शन इज कंप्लीटेड। बोलो बच्चों, यहां कंप्लीट हो गया। अब देखो बेटा, अपन बोलेंगे है ना पार्ट सी एंड डी है ना इंडिकेट्स लिक्विड एंड ए लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल सब्सटेंस। बोलो, एंड ए लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल सब्सटेंस मीन्स देयर विल बी नो appreciable change in volume by increasing pressure। बोलो बच्चों, इस ग्राफ को देख के कुछ बातें समझ में आई क्या? बोलो बेटा, इस ग्राफ को देख के कुछ चीजें क्लियर हुई क्या? बोलो, अगर ये ग्राफ नहीं समझ में आया तो आगे दिक्कत हो सकती है। बोलो बच्चों, ये ग्राफ सबको समझ में आया? किसी को डाउट है तो बोल जाओ। बोलो बच्चों, किसी को डाउट है? देवाशीष, समझ में आया तेरे को? देवाशीष, देव किशोर व्यास समझ में आया? अलीसा बिश्नोई, समझ में आया बेटा? अलीसा बिश्नोई, बोलो भाई। चलो देखो, सारा गेम इस ग्राफ पे ही है। अब देखो बेटा, एक अपन एक काम करते हैं। देखो सुनो, मैंने क्या किया बच्चों, एक मैं कोई पर्टिकुलर ले लेता हूं, ठीक है। मान लो कोई एक हाइपोथेटिकल गेस है, मान लो मेरे पास कोई एक एक्स गेस है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि बेटा, मैंने इसको 2 डिग्री सेल्सियस पर इस पर 5 atm प्रेशर लगाया। समझना इस चीज को जो मैं समझा रहा हूं, आपको एक बहुत अच्छे से चीज समझ में आएगी। देखो बेटा सुनो, तो उस कंडीशन में क्या हो बच्चों, उसका 100% उसका लिक्विफिकेशन हो गया, ठीक है ना। उसका कितने परसेंट लिक्विफिकेशन हो गया? 100%। सुनो, अब मैंने इसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा के मैंने बच्चों 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ेगी बच्चों? बताओ, मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ेगी। अच्छा, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी स्पीड वीआरएमएस से भी ज्यादा हो सकती है ना, वीआरएमएस से भी। देखो, कल हमने एक ग्राफ बनाया था तो मैंने कुछ बताया भी था। देखो, ये दिख रहा है, ध्यान दीजिए बच्चों, यहां जो वेलोसिटी है वो वीआरएमएस से भी ज्यादा है। ज्यादा ना बच्चों? है बच्चों। तो ये मॉलिक्यूल इतनी ज्यादा वेलोसिटी रख रहे हैं कि आप इनको सेटल नहीं कर सकते, है ना। आप इनको सेटल नहीं कर पा रहे क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ये सेट हो ही नहीं रहे, ये नीचे बैठ ही नहीं रहे। तो अब देखो बेटा, एक बात बताओ, हमें लिक्विफाइड करना है तो हमें टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर प्रेशर तो ज्यादा लगाना पड़ेगा। मान लो बेटा, अगर मैंने यहां पर 3 atm लगाया बच्चों, तो क्या 100% लिक्विफिकेशन होगा क्या? सकता बच्चों, अब क्या होगा? देखो बेटा, मान लो 80% इसका लिक्विफिकेशन हुआ, तो बच्चों बताओ 20% का क्यों नहीं हुआ? बोलो बच्चों, अपन ऐसा बोल सकते हैं 20% मॉलिक्यूल्स हैव वेरी
हाई काइनेटिक एनर्जी, ये वो मॉलिक्यूल है जिनकी वेलोसिटी वीआरएमएस से भी ज्यादा है। समझ में आई बात? बोलो वैभव कुलरिया, समझ में आया कुछ? समझ में आई बात? अब देखो, मान लो मैं काम करता हूं, अगर मैं इसको और आगे चलते हैं, ठीक है, मैंने टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और मैंने प्रेशर लगाया 30 ATM। आप बच्चों टेम्परेचर लगातार बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर लगातार बढ़ा रहे हो ना, तो मुझे बताओ भले आप प्रेशर बढ़ा रहे हो लेकिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो जो डिग्री ऑफ लिक्विफिकेशन है वो कम होगी ना। बोलो बच्चों, तो अब देखो ऐसा मान लेते हैं कि अब सिर्फ 60% ही लिक्विफिकेशन हुआ, ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने क्या किया, इस एक्स गैस को एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है समझाने के लिए। मैंने क्या किया बच्चों, देखो सुनो, मैंने इसका टेम्परेचर कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस और मैंने बोला मैंने ना 70 ATM प्रेशर लगाया, ठीक है, कितना लगाया 70 ATM, और मैं कह रहा हूं कि इस कंडीशन में इसका 0% लिक्विफिकेशन हुआ बच्चों। मतलब आप 70 क्या आपकी इच्छा होगी, 80 ATM लगा दो, 90 लगा दो, है ना, आप 1000 ATM लगा दो, कितना ही लगा, है ना बच्चों। अब आपका लिक्विफिकेशन होगा ही नहीं, है ना। बोलो बच्चों ऐसा क्यों हुआ, बताओ। बोलो बच्चों ऐसा क्यों हुआ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, आपको पता है रियल गैस किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगी। बोलो बच्चों रियल गैस किसकी तरह बिहेव करेगी, आइडियल गैस की तरह, और आइडियल गैस की तरह जैसे बिहेव करेगी, आइडियल गैस को तो अपन लिक्विफाइड कर ही नहीं सकते ना। बोलो बच्चों आइडियल गैस को तो लिक्विफाइड कर ही नहीं सकते ना, अरे समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इन चीजों को थोड़ा समझाना चाहूं तो देखो बेटा एक ग्राफ बना रहा हूं, उस ग्राफ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बेटा। देखो कैसे, देखिए बेटा मैंने एक पहले एक डोम बना लिया ऐसे। ये डोम क्यों बनाया अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब देखो बेटा सुनो, मान लो मैंने ऐसे बोला, देखो एक ग्राफ ये ऐसा बना, ये बना, ये मान लो टेम्परेचर T1 पर है, ठीक है बच्चों। फिर देखो मैंने नेक्स्ट ग्राफ ये बनाया, तरह से फिर नेक्स्ट ग्राफ मैंने ये बनाया बच्चों, ठीक है, फिर नेक्स्ट ग्राफ मैंने ये बनाया, ठीक है, और फिर मैंने नेक्स्ट ग्राफ ये बनाया, एंड फाइनली मैंने ये बनाया। अब इन चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करो बच्चों, है ना, थोड़ा सा फोकस करोगे चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। देखो बेटा ये T1 टेम्परेचर, T2, T3, T4, T5, T6, इधर ये प्रेशर है बच्चों, इधर ये वॉल्यूम है ना। अब देखो बेटा सुनो, ये बनाया और इसके बाद जो ग्राफ बन रहे हैं वो ऐसे बनेंगे। देखो बेटा इसके बाद जो ग्राफ बन रहे हैं वो कुछ ऐसे बन रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात। बोलो बेटा अब मुझे बताओ, सबसे पहले मैं ऐसा कह सकता हूं कि T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 T4 T5 T6 T7 बोलो बच्चों T8, क्या ये टेम्परेचर कंटिन्यूसली
बढ़ रहा है क्या? बोलो बच्चों। अरे टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ये सबको समझ में आया? अब देखो बेटा, इधर वाला पार्ट किसको बता रहा है? गैस को बता रहा है, इधर वाला पार्ट लिक्विड को बता रहा है, और बीच में बोलो बच्चों, लिक्विड और गैस दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में। क्या ये पिक्चर समझ में आई? अरे समझ में आई। अब देखो बेटा, जैसे जैसे आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है ना, वो लगातार क्या हो रहा है बच्चों बताओ? ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट लगातार क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है ना, इसकी जो विड्थ है वो छोटी होती जा रही है, हो रही है बच्चों? और एक ऐसा टेम्परेचर आया हुआ है कि सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट रह गया है ना, लाइन तो खत्म ही होगी ना बच्चों। अरे बोलो, कौन से टेम्परेचर पर सिर्फ वो पॉइंट की फॉर्म में रह गया बताओ बच्चों? कौन से टेम्परेचर पर सिर्फ पॉइंट की फॉर्म में रह गया, दिख रहा है क्या? T6 है ना बच्चों। तो अब देखो बेटा, सुनो, ध्यान देना, इस टेम्परेचर के अलोंग है ना, बात समझ आ रही है बच्चों? इस टेम्परेचर के अलोंग ये जो कंडीशन है ना T6, इसको बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल कंडीशन है ना। तो क्या बोलते हैं? क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल समझते हो बच्चों? कई बार आपने देखा होगा ना डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भैया इस पेशेंट के आज की रात क्रिटिकल है, अगर आज की रात इसने निकाल दी तो ये बच जाएगा, ऐसा बोलता है ना। क्रिटिकल समझ रहे हो? बोलो बच्चों। अरे बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों मेरे को, ये जो क्रिटिकल कंडीशन है तो इसको तो मैं बोलूंगा क्रिटिकल टेम्परेचर, बोलूंगा बच्चों है ना? तो T6 को मैं बोलूंगा TC, ये कौन सा टेम्परेचर है? क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर है जिस पर आप गैस को लिक्विफाइड तो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ गैस की एक ड्रॉप बनेगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? बोलो बच्चों, क्रिटिकल कंडीशन में देखो हॉरिजॉन्टल पार्ट कंप्लीटली डिसअपीयर हो गया, एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है, यानी क्रिटिकल कंडीशन में सिर्फ एक छोटी सी ड्रॉप बनेगी बनेगी। बोलो बच्चों। अब देखो, इस क्रिटिकल कंडीशन के रेस्पेक्ट में यहां जो प्रेशर आ रहा है, इस प्रेशर को क्या बोलोगे? क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे है ना बच्चों। और यहां ये जो वॉल्यूम आ रहा है, इस वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल। क्या ये पिक्चर समझ में आई? बोलो बच्चों। क्रिटिकल कंडीशन में जो पैरामीटर्स हैं उनको सी से इंडिकेट किया, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या हुई? वो टेम्परेचर जिस पर आप एक गैस को लिक्विफाइड कर सकते हो, ना, लेकिन क्रिटिकल कंडीशन से अगर टेम्परेचर ऊपर चला गया तो क्या आप उसको लिक्विफाइड कर सकते हो? बोलो बच्चों। क्रिटिकल कंडीशन से अगर अपन ऊपर चले गए तो क्या अपन उसको लिक्विफाइड कर सकते हैं? बोलो बच्चों। देखो T7 और T8 दीजिए आइडियल की तरह बिहेव करने लग गया, आइडियल को अपन लिक्विफाइड नहीं कर पाते ना बच्चों। क्या ये पिक्चर समझ में आई? आई बच्चों, पक्का? बोलो, आ गई ये पिक्चर? क्लियर है? बोलो बच्चों, ठीक है ना? तो देखो, अगर आप इस ग्राफ में देखो ना, राइट हैंड साइड में सिर्फ गैसेस फेज है, मिड में लिक्विड और गैस दोनों है, और लेफ्ट साइड में सिर्फ लिक्विड है। ये बात समझ पा रहे हैं? बोलो बच्चों। अरे समझ पा रहे हो? आप ऐसे सोचो, एक कंटेनर में सिर्फ वाटर की वेपर है, एक ऐसा कंटेनर है जिसमें वेपर भी है और लिक्विड वाटर भी है, और एक ऐसा कंटेनर सोचो सिर्फ लिक्विड है उसमें वेपर नहीं है। दिमाग में समझ में आ जाएगा। अच्छा बच्चों बताओ, क्रिटिकल कंडीशन समझ में आई? तो मुझे बताओ क्रिटिकल प्रेशर की क्या डेफिनेशन होगी? क्रिटिकल
क्रिटिकल प्रेशर की क्या डेफिनेशन होगी? देखो अपन क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर पर आपको किसी गैस को लिक्विफाइड करना है, तो जो आप प्रेशर अप्लाई करोगे उसको क्या बोलेंगे, उसको क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे क्या? बोलो बच्चों, बोल सकते हैं, बोलो। क्रिटिकल टेम्परेचर वाली कंडीशन में आपको किसी गैस को लिक्विफाइड करना है, तो आपने जो प्रेशर अप्लाई किया है ना, अब बताओ वीसी को डिफाइन कर सकते हो क्रिटिकल वॉल्यूम को? बोलो बच्चों, कर सकते हो? बताओ क्या बोलोगे? क्रिटिकल कंडीशन में एक मोल गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती है उसको क्रिटिकल वॉल्यूम बोलेंगे, बोलेंगे बच्चों। एक बात हो बच्चों, ये बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है? बोलो बच्चों, बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है? बॉयल्स टेम्परेचर याद है क्या? बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है? रियल गैस किसकी तरह बिहेव करने लग जाए? आइडियल की तरह। अब मुझे बताओ अगर वो आइडियल की तरह बिहेव कर रही है तो वो टेम्परेचर T6 से नीचे होगा या ऊपर होगा? बोलो बच्चों, अपवर्ड साइड में होगा ना, अपवर्ड साइड में, क्योंकि आइडियल गैस ऊपर ही तरफ दिख रही है। तो मुझे बताओ बॉयल टेम्परेचर बड़ा हुआ या क्रिटिकल टेम्परेचर बड़ा हुआ? बोलो बच्चों, बड़ा कौन होगा? बॉयल टेम्परेचर बड़ा होगा ना। क्या ये बात ग्राफ से समझ में आई? क्या ये बात आपको ग्राफ से समझ में आई? बोलो बच्चों, ऐसा बोल सकता हूं बॉयल टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होगा। देखो इसको वैसे आप याद रख सकते हो, B मतलब बड़ा, C मतलब छोटा, बोल सकते हैं ना, B मतलब बड़ा, C मतलब छोटा, है ना। ये कौन सा टेम्परेचर है बच्चों? ये बॉयल्स टेम्परेचर है। क्या बच्चों समझ में आया बॉयल्स टेम्परेचर? अब देखो बेटा सुनो, ये जो मैंने ग्राफ लगा रखे ना, इसको समझो। देखो बेटा, दिख रहा है आपको इस ग्राफ में? देखिए ये बताओ बच्चों, देखो ये ग्राफ आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, दिख रहा है? एंड्रयूज आइसोथर्म, दिख रहा है बच्चों? अब बताओ क्या कह रहा है आपको, दिख रहा है? देखो आपका T1, T2, TC दिख रहा है, तो बताओ कौन सा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर है? बोलो बच्चों, TC वाला दिख ही रहा है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। ये डोम समझ में आ गया? ये डोम ऐसा क्यों बनाया? बोलो बच्चों, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, T1, T2, TC, T3, T4, बोलो बच्चों। तो मुझे बताओ टेम्परेचर अगर अपन बढ़ाते हैं, है ना बच्चों, टेम्परेचर अगर अपन बढ़ाते हैं तो लिक्विफिकेशन इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? बोलो बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने पर डिफिकल्ट होगा ना, होगा बच्चों। और इसी कारण देखो जो बीच वाला जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो लगातार क्या होता जा रहा है बच्चों? हॉरिजॉन्टल पार्ट लगातार क्या हो रहा है आपका? छोटा होता जा रहा है, स्मॉलर की तरफ जा रहा है, और छोटा होते होते बोलो बच्चों एक ऐसी स्टेज आई कि वो सिर्फ किस फॉर्म में रह गया? पॉइंट की फॉर्म में। और उस पॉइंट से रिलेटेड जो भी बातें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल बोलते हैं, बोलते हैं बच्चों। अब देखो बेटा, एंड्रयूज भाई साहब ने ये जो ग्राफ बनाया था ना, ये देखो बेटा सुनो, ये इन्होंने इसमें बनाया था, दिख रहा है आपको, CO2 के लिए। देखो बच्चों ये टेम्परेचर, देखो बेटा दिख रहा है आपको, ये टेम्परेचर मैं इधर लिख देता हूं बेटा, देखो 30.98 डिग्री सेल्सियस, दिख रहा बच्चों 30.98 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर बताओ कितना है?
30.98 है बच्चों, है क्या समझ में आ गया बच्चों? अब देखो बेटा, देखो पहले इसने बनाया 13.1 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरा इसने जो ग्राफ बनाया वो बनाया 21.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है समझ में आ रहा है बच्चों? फिर इसका जो ग्राफ है वो है, देखो बच्चों कहां पर ये ग्राफ इसने बनाया है 31.1 डिग्री सेल्सियस, एंड देन जो लास्ट में बनाया है वो बनाया है 50 डिग्री सेल्सियस, समझ पा रहे हैं आप? आप बताओ बच्चों, नीचे से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो बोलो टेम्परेचर क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, हो रहा है बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, आपसे कोई पूछे कि बताओ क्रिटिकल प्रेशर क्या हुआ CO2 का, वैल्यूज देख के बताओ, इधर लिखी हुई क्या कुछ वैल्यूज? 73 दिख रहा है क्या? ये बात समझ में आई बच्चों? क्या आप ग्राफ समझ पा रहे? बोलो बच्चों, बोलो पक्का ना, पक्का कंफर्म अच्छे से, ठीक है। तो लिक्विड गैसेस फेज और लिक्विड गैस दोनों समझ में आ गए ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? बोलो, लिक्विफिकेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों। हाँ बेटा वो 73 है ना, 73 है, एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये देखो ये थोड़ा क्लियर दिख रहा है ना? अरे यूनिट पे करना है क्या यार तेरे को यार, छोड़ दे एक बार, पीछे पड़ जाता है किसी भी चीज के। हाँ भैया हो गया, बोलो बच्चों। चलो देख लो बेटा, लिक्विफिकेशन में किसी भी कंसेप्ट में आपको अगर डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर अपन इसको अब लिखेंगे फटाफट। लिक्विफिकेशन के किसी भी पॉइंट में दिक्कत है, ये ग्राफ समझ में आ गया? ये ग्राफ देखो ऊपर बने हुए हैं, ये देखो ये ग्राफ ऊपर बने हुए हैं, दिख रहा है ना जो मैंने बनाया था, फिर अपन ने नीचे इस तरह से बनाया था, ठीक है समझ में आ गया बच्चों? बोलो क्लियर है क्या, पक्का पक्का? ठीक है बच्चों, तो ऐसे करते हैं अपन इसको कल लिखते हैं बेटा, ठीक है ना, कल अपन इसको लिखेंगे, ये 3-4 लेक्चर में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, 3-4 लेक्चर अपन इसको खत्म कर देंगे बेटा, ठीक है।